बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर का टॉपिक है एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 3.2। तो ये स्टेटमेंट से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं जिनको अभी हम सॉल्व करेंगे और मैं एक्सप्लेन करूंगा इनको। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस डी ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट varies directly at the square of the time t, neglecting air resistance. Find k if d equals 16 feet for t equals to 1 second. Also derive a relation between d and t. Statement lengthy लग रही है आपके, question इतना मुश्किल नहीं है। तो ये है d is directly proportional to t square, जो given condition में लिखा हुआ है के डिस्टेंस डी ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर ऑफ द टाइम टी। मतलब के डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अब डी फिर इक्वल टू आ जाएगा के टी स्क्वायर, ये है इक्वेशन नंबर 1। और के की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये वैल्यूज हमें दी गई हैं, डी इक्वल टू है 16 और टी की वैल्यू है 1। फिर 16 इक्वल टू आ जाएगा के इंटू 1 स्क्वायर, 16 इक्वल टू के और के इक्वल टू 16। ये वैल्यू अब इक्वेशन 1 में पुट की जाएंगी, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन नंबर 1, तो देन फिर डी स्केयर डी इक्वल टू आ जाएगा के 16 टी स्केयर, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद है के कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, इसके बाद और कोई रिक्वायर्ड नहीं है, ये कंप्लीट है क्वेश्चन यहाँ तक। इसकी जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2 है, इफ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, फाइंड नंबर ए पार्ट है इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स एंड वाई, बी पार्ट है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन के एंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई व्हेन एक्स इक्वल 7 वाई इक्वल 6। ये के की वैल्यू के लिए बी का जो डाटा है बी पार्ट का, और फिर सी पार्ट में जो डाटा है द वैल्यू ऑफ वाई फाइंड करोगे जबकि एक्स इक्वल टू 21 के इक्वल है। तो वाई वेरी डायरेक्टली, वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, वाई इक्वल टू आ जाएगा के एक्स, यही ए पार्ट में उन्होंने पूछा था कि इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स एंड वाई। अब बी पार्ट में वो डाटा दिया हुआ है, एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है जिससे के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इक्वल टू 7 और y इक्वल 6, ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें तो 6 इक्वल टू आ जाएगा k इंटू 7, तो 6 इक्वल टू 7k और k 7k इक्वल टू 6, या आप लिख लें k की वैल्यू आ जाएगी 6/7। तो नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1, तो देन फिर y की वैल्यू आ जाएगी 6/7x, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब सी पार्ट में था कि वैल्यू ऑफ वाई फाइंड करें जबकि एक्स इक्वल टू 21 के इक्वल है, तो वाई फाइंड करना है जबकि एक्स इक्वल टू 21। तो अब ये वैल्यू एक्स की वैल्यू 21 पुट करते हैं, तो वाई फिर इक्वल आ जाएगा 6/7 इंटू 21। अब 7 3s are 21 होता है, फिर 3 6s are 18, सो वाई की वैल्यू आ गई 18। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर है अब 3, जिसमें कुछ स्टेटमेंट इस तरह दी हुई है कि गिवन दैट ए वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर ऑफ आर, आर होता है रेडियस, एंड ए इक्वल्स टू है 1782/7 स्क्वायर सेंटीमीटर व्हेन आर इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। ये डाटा होगा इसमें जो के आएगा उसकी वैल्यू के लिए, और फिर If r equals 14 centimeter, then find a. तो रिलेशन है a varies directly as r square. हाँ जी, दोबारा देखिए क्वेश्चन, प्रोपोर्शनैलिटी दी हुई थी a directly proportional to r square. तो a equals आ जाएगा k r square, ये बनी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद फिर k की वैल्यू फाइंड करने के लिए डाटा हमारे पास है a equals to 1782/7 when r equals to 9। ये जो डाटा है ये k की वैल्यू फाइंड करने के लिए है, तो हम
ये वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कर लेते हैं, तो पुटिंग ए इक्वल्स टू 1782/7 एंड आर इक्वल्स 9 इन इक्वेशन वन, अब ये वैल्यू अगर पुट करें तो फिर ये 1782/7 इक्वल्स आएगा के इंटू 9 स्केयर, तो ये नेक्स्ट टाइम में 9 का स्केयर हो गया 81, तो फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 1082/7 इक्वल्स टू 81 के क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 81 के साथ, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 81 के इक्वल्स टू आ जाएगा 1782। तो अब 7 को जब 81 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई है 567 के इक्वल्स टू 1782। तो k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k की वैल्यू आएगी 1782/567, ये कैंसिल होकर वैल्यू बन जाएगी 22/7 आ गई k की वैल्यू। ये अब k की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट की जाएगी, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन वन, जब इक्वेशन वन में ये वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन वन ये थी ए इक्वल टू के आर स्क्वेयर, अब के की वैल्यू आ गई है 22/7, अब हो जाएगा ए इक्वल टू 22/7 आर स्क्वेयर, अब इसके बाद आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर जबकि ए की वैल्यू है हमने कैलकुलेट करनी है। अब ये ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आर की वैल्यू अगर 14 हम पुट करें तो ए इक्वल फिर आ गया 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आ जाएगा 14 स्केयर, तो ये कैलकुलेशन के बाद ए की वैल्यू बन जाएगी 616 स्केयर सेंटीमीटर। और इसके बाद है जी अब नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4 है वाई वेरी डायरेक्टली एज क्यूब ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 81 व्हेन एक्स इक्वल टू 3। पहले ये रिलेशन लिख लें y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब, तो y को सो आ जाएगा k x क्यूब, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद फिर k की वैल्यू के लिए डाटा दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 81 व्हेन x इक्वल टू 3, ये अब वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो पुटिंग y इक्वल टू 81 x इक्वल टू 3, तो देन फिर 81 इक्वल टू आ जाएगा k इनटू 3 स्क्वायर, 81 इक्वल टू 27 के, या आप लिख लें 27 के इक्वल टू 81, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है, k फिर इक्वल टू आ जाएगा 81/27, इसको कैंसिल करें तो k की वैल्यू आ गई है 3 के इक्वल। अब ये k की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1, तो फिर इक्वेशन 1 की अब फॉर्म आ जाएगी y इक्वल टू 3x क्यूब। इसके बाद है कि evaluate y when x equals to 5, जब x की वैल्यू 5 हो तो उसके लिए x की वैल्यू y की वैल्यू कैलकुलेट करें। अब y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है when x equals to 5, तो x की वैल्यू 5 इसमें पुट कर लें तो y फिर इक्वल टू आ जाएगा 3 × 5 क्यूब, तो y इक्वल टू आ गया 375। और इसके बाद फिर नेक्स्ट एग्जांपल है जो कि पेज 55 पर है टेक्स्ट बुक के पेज पर, इफ वाई वेरीज इनवर्सली एज एक्स, वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और फिर वाई इक्वल टू आ जाएगा के ओवर एक्स, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। और फिर के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास डाटा है कि वाई इक्वल टू 8 व्हेन एक्स इक्वल टू 4, पुटिंग y इक्वल टू 8 x इक्वल टू 4, तो फिर 8 इक्वल टू आ जाएगा 8 इक्वल टू k ओवर 4। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 के साथ, तो k इक्वल टू आ गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो k की वैल्यू आ गई 32 के इक्वल। ये वैल्यू अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट की जाएगी, सो पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1, फिर y इक्वल टू आ जाएगा 32/x, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद फिर एंड में देखें आपसे रिक्वायर्ड ये है कि फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 16। अब y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है जबकि x की वैल्यू 16 गिवन है,
ये वैल्यू इक्वेशन टू में अगर पुट करें तो y फिर इक्वल आ जाएगा 32/16, कैंसिल होने के बाद y की वैल्यू आ गई 22 के इक्वल। और इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है y वेरीज इन्वर्सली एज x स्केयर, तो y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्केयर और y फिर इक्वल आ जाएगा के एक्स के, ये होगी इक्वेशन नंबर वन। इसके बाद फिर k की वैल्यू फाइंड करने के लिए गिवन है कि y इज इक्वल टू 16 व्हेन x इक्वल टू 5, ये वैल्यू पुट करें k की वैल्यू मालूम हो जाएगी, तो पुटिंग y इक्वल टू 16 k इक्वल टू 5, तो 16 इक्वल टू आ गया k ओवर 5 स्क्वायर, 16 इक्वल टू k ओवर 25। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लें तो k की वैल्यू आ जाएगी 25 मल्टीप्लाइड बाय 16, तो k इक्वल टू आ गया 400। ये अब k की वैल्यू जो है ये आपने पुट करनी है इक्वेशन नंबर वन में। फिर इक्वेशन वन की जो अब फॉर्म बनेगी वो आ जाएगी y इक्वल टू 400 ओवर x के। उसके बाद है लास्ट में देखिए फाइंड x, x की वैल्यू फाइंड करें व्हेन x y इज इक्वल टू 100, नाउ x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, y की वैल्यू है 100, ये वैल्यू पुट करेंगे तो 100 फिर इक्वल टू आ जाएगा 400 ओवर x के। और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें x स्क्वायर इक्वल टू 400 ओवर 100, यानी x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4। अब इस 4 का अगर स्क्वायर रूट कर लें तो आप जानते हो कि 4 का स्क्वायर रूट होता है इक्वल टू प्लस माइनस 2। इसके साथ ही ये एग्जांपल कंप्लीट हो गई है और उम्मीद है आपको समझ आई होगी, आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। खुदा हाफिज़।